बताओ तो कितना भगवान है? 33 कोटी। कोटी मतलब क्या होता है? करोड़। सेंट 33 करोड़। उसके बाद फिर बताओ भगवान के बारे में। दुर्गा, काली, उमा, रमा, वैष्णवी, ब्रह्मानी, बहुरूपा, विरूपा, वारुणी, धूमावती, बगलमुखी, चिन्मस्तिका, काली, तारा, वारुणी, महेश्वरी। और सो हेलो जी, वेलकम बैक टू विथ अपर ब्लॉग्स। ओके, तो फाइनली अभी हम मैच खेल के आ चुके हैं और अभी नहा धोआ के फ्रेश हो चुके हैं गाइस। तो मैच हम लोग फाइनली, बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था, पर हम रिकॉर्डिंग करने नहीं पाए थे गाइस, क्योंकि जो आज कोई एक्स्ट्रा नहीं था जिसको हम फोन दें और रिकॉर्डिंग कर पाए। पर फिर भी लास्ट में कुछ क्लिप हम लिए हैं और एक लड़का आया था बच्चा को बोल के। तो गाइस, तो आज मैच हम लोग बहुत ही मज़ेदार जीते हैं गाइस, सच बताएं तो गाइस। तो और आज मैच जीतने के बाद मतलब कि हम लोग फ्रेंड में ही, मतलब कि जो टीममेट्स था उसमें ही लड़ाई झगड़ा हो गया, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद फिर वो जो टीममेट्स था वो भाग गया, मतलब कि चल गया हम लोग के कोर्ट से। फिर हम लोग अकेले हो गए, फिर हम लोग कम प्लेयर में खेले और फिर भी हम लोग गाइस इतना मेहनत किए कि हम लोग का टीम फाइनली जीत गया गाइस। तो बहुत खुशी मिल रहा है गाइस, तो जितना जीतने के बाद। पर टीम में मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए गाइस, टीम स्पिरिट होना चाहिए सच बताए तो। पर हम लोग का आज टीम स्पिरिट टूट गया, बहुत ही खराब लगा गाइस। पर हम अपना जो बचा गाइस, हम लोग टीम में जो जो थे, रवि भैया, अनिल और महेंद्र पौवा और एक धनी भैया जो एक्स्ट्रा उनको लेके आए थे, मतलब कि बाहर बैठे हुए थे, उनको खिला लिया, क्योंकि जो हम लोग का एक प्लेयर था वो बाहर चल गया, तो उसको फिर धनी भैया को खिलाना पड़ा। और हम गाइस पांच प्लेयर मिल के हम लोग पूरा मतलब कि फाड़ के रख दिए गाइस, सच बताया तो बहुत मज़ा लगा गाइस। और इतना टीम स्पिरिट, सबसे पहले तो अपने टीम मेट को बोलेंगे कि बहुत बहुत थैंक यू गाइस, आप लोग बहुत हार्डवर्क किए और मैच हम लोग जीत गए गाइस। तो गाइस, तो आज तो हम लोग जीतने के बाद फिर हम लोग उतना मतलब कि सेलिब्रेट नहीं किए, और सेलिब्रेट किए मतलब कि भैया लोग को मतलब कि भूख लग रहा था, क्योंकि काफ़ी देर शाम, मतलब शाम नहीं बोलेंगे, दोपहर हो गया था, क्योंकि खाना वाना खा के नहीं आया था। वो लोग बोले कि बाद में कभी खर्चा करना बोल के। तो गाइस, तो अभी हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं, मम्मी बोल रही थी कि गाइस कि तुम लोग मैच जीतते हो और अकेले अकेले कोल्ड ड्रिंक पीते हो यार, कभी मेरे को पिलाओ। तो गाइस, तो आज हम स्ट्रिंग बाहर पे नहीं पिए, आज हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं और मम्मी के साथ शेयर करके पियेंगे, क्योंकि हमेशा मम्मी मेरे को बोलती है कि अपने टाइम में तुम अकेले अकेले पी लेते हो और मेरे से तुम हमेशा बोलते हो कि खर्चा कराने के लिए। तो कोई बात नहीं गाइस, आज मम्मी को भी हम शेयर करेंगे, जीते हैं और मम्मी को भी आज शेयर करेंगे गाइस। तो गाइस, फटाफट से कपड़ा वपड़ा लगाते हैं और फिर जाएंगे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। सो गाइस, तो अभी हम दुकान आए हुए थे और क्योंकि गाइस देखिए, लेज हम लेके जा रहे हैं, एक ब्लू एक ग्रीन, क्योंकि गाइस मम्मी को कोल्ड ड्रिंक दिए, तो मम्मी बोली कि ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कि पीने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मम्मी बोली कि कुछ लेके आओ, तो इसीलिए हम गए थे। सो गाइस, तो खाना वाना खाकर अभी बाहर तड़ाए हैं घूमने के लिए, और देख सकते हैं बैकग्राउंड में कल्लू चौमिन दुकान। तो अभी बाहर तड़ पाए क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है और धूप तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए बाहर तड़ पाए घूमने। और देख सकते हैं इधर गाइस कौन है, रितेश। तो रितेश कहाँ लेके आया, खिलाओ ना यार, खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, खिलाएगा बोला है गाइस, हमको लगा नहीं खिलाएगा। अबे इतना दे दिया, लो थोड़ा सा, लो लो, बहुत ज़्यादा दे दिया था गाइस। कल लड़ाई हुआ था ना, लड़ाई हो गया, तुम खेलने नहीं आए, गलत मत सोचिएगा गाइस, ये अपना ही आदमी है, इतना शेयर हो जाता है ना। सो गाइस, तो देख सकते हैं इसी को, यही अभी लेके आया था मूंग दाल जो मेरे साथ शेयर किया है, बुरा मत मानिएगा गाइस, इससे हम लिए नहीं, ये अपना आदमी है। अपना ही घर तरफ का बच्चा है, इतना होता है ना शेयर ना। हाँ। क्या होता है, क्या होता है बता दो, तो अभी खेलना आएगा ना। अभी देखिए इधर साइड, हम लोग इधर से जाते हैं रास्ता गाइस फील्ड का, ये तो बच्चा लोग का ग्राउंड बनाया है लोग, देखिए अभी ये लोग घर दूरा खेल रहा है बच्चा बच्चा। इधर भी एक किलो का है, जाओ तुम भी लेके आओ जल्दी से बूट वूट खेलने के लिए। सो गाइस, तो आपको भी मिलाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बच्चा से, उसका बात सुन के आपको बहुत ही हंसी लगेगा, तो आपको सुन मिलाते हैं उससे। तुम्हारा नाम क्या है, कौन ची, इधर आएगा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पहले यहाँ बैठो 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 बैठो। तुम्हारा नाम क्या है, चीकू कुल्लू, चीकू कुल्लू, चीकू कुल्लू दिलीप सिंह। हाँ, क्या नाम है इसका, चीकू कुल्लू दिलीप सिंह, इतना लंबा नाम है। अच्छा, तुमको ABCD आता है, इसका एक ही नाम है, चीकू कुल्लू नहीं है, वो उसके दादी बोलती है तो कुल्लू भी नाम रखा गया। ये कौन, तुम्हारा क्या लगता है, ये भाई, भाई है। हाँ, वो तुम्हारा कौन है, इसको पूछ रहे हैं, वो तुम्हारा कौन है, भैया,
सुनो ना इधर आओ ना इधर। तुमको क्या क्या आता बताओ ना प्लीज। बालू भर ले दो। नहीं नहीं प्लीज बैठो ना, बताओ ना। तुम बहुत अच्छा लगता है ना। तुमको क्या क्या आता बताओ ना हमको। कुछ नहीं आता। नहीं नहीं कुछ तो आता होगा ना। अच्छा तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? तुमको मम्मी का नाम भी नहीं पता है? नहीं उससे पूछ रहे, तुम तो बड़े हो ना, उससे पूछ रहे, उसको नहीं पता है। उसको पता है, वो ऐसे ही जा रहा है बालू भरने। बस बालू खेलेगा वो। क्या भरेगा? एक मुट्ठी अगर भर गया ना तो बालू तो भरेगा। वाह भाई, सबको मारने के लिए बाला पहने। बालू भरने से क्या होगा? ये बालू खेलने से बताओ तो कितना भगवान है? 33 कोटी। कोटी मतलब क्या होता है? करोड़। 33 करोड़। उसके बाद फिर 33 कोटी या 33 करोड़। और उसके बाद फिर कितना भाग में बढ़ता है? नाम पता है तुमको? सबका तो नहीं पता है। किसका किसका पता बताओ ना। इसे तो बहुत भगवान है। नाम बताएगा तुम ना, एक दो जन का बताओ, जैसे कुछ हम लोग को पता नहीं था, जैसे कि हमको पता नहीं है और सबको पता नहीं है, तो कुछ कुछ बताओ भगवान के बारे में। दुर्गा, काली, उमा, रमा, वैष्णवी, ब्रह्मानी, बहुरूपा, वीरूपा, वारुणी, धूमावती, बगलमुखी, चिन्मस्तिका, काली, तारा, वारुणी, महेश्वरी और ऐसा और बहुत, लक्ष्मी, मोह लक्ष्मी, देवादी लक्ष्मी, संसाधित लक्ष्मी, महालक्ष्मी, काली, महाकाली, भद्रकाली, त्रिकाल काली, गंगकाली काली, सिद्ध काली, मंगला काली, भद्रकाली, ऐसा बहुत काली है। अब बजरंगबली का कितना रूप है? बजरंगबली का नहीं है। बजरंगबली का रूप नहीं पता तुमको? है ही है, नहीं है। नहीं है। और दुर्गा माँ का कितना रूप है? नौ। क्या क्या? शैल पुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। अच्छा तो इसका बता तो, रावण का वाइफ का नाम? मंदोदरी। और उसका भाई का नाम? रावण का। हाँ रावण का अपना भाई का, सगा भाई का नाम था विभीषण और रावण। सो गाइस, जैसा कि देखा आपने गाइस, ये बच्चे लोग बहुत ही टैलेंटेड है और आप लोगों को बता ही दिए, वो बच्चा बहुत ही, मतलब कि उससे हम पहले भी सुने थे, बहुत ही अच्छा बताता है भगवान के बारे में, सभी चीज़ को पता है और इसीलिए हम आपके साथ उसको शेयर किया। और जो छोटा सा चीकू था वो भी, मतलब कि तो अभी बोल नहीं रहा था पर बहुत भयानक बोलता है वो भी, फिर कभी आप लोग को मिलवाएंगे उससे और बहुत भयानक बोलता है गाइस, सच बताया था। अब जाते घर और शूज लेके जाते फुटबॉल खेलने के लिए गाइस। सो गाइस फाइनली खेल के आ चुके थे और अभी मेरे को भूख लग रहा है तो अभी जा रहे खाना खाने के लिए और देखते हैं गाइस आज मम्मी क्या बनाएगी खाना में। और लाइट भी थोड़ा सा कम है, रोशनी कम है, इसलिए वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा खराब आ रहा है गाइस। तो जाके जल्दी से देखते हैं मम्मी को किचन में खाना निकालने के लिए बोले हैं और जाके देखते हैं आज खाना में क्या बनाएंगे गाइस।